हे गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग काइंड ऑफ एक रिव्यू करने वाले हैं डिस्कवरी इवेंट्स का। तो गाइस, आपको पता अभी तक पबजी मॉल के अंदर भर भर के डिस्कवरी इवेंट्स आ चुका है। बीजेमए के अंदर भी कुछ कुछ डिस्कवरी इवेंट आया, बट मुझे जितना लगता है कि जो सबसे क्रूशल डिस्कवरी इवेंट्स है सब बीजेमए के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। और आज भी एक नया कोलैबोरेशन का डिस्कवरी इवेंट पबजी मॉल के अंदर आ चुका है, जो कि ब्रूस ली के साथ है। तो आज काइंड ऑफ हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। ऑब्वियसली इवेंट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आप भी बीजेमए यूजर हो, मैं भी बीजेमए यूजर हूं, तो बीजेमए यूजर का इवेंट से क्या मतलब है। जस्ट हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो डिस्कवरी इवेंट आया है वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, क्या क्या रिवॉर्ड हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या पहले जैसा जो डिस्कवरी इवेंट हम लोग को मिलता था पिछले एक साल डेढ़ साल पहले वैसे है कि नहीं, वो भी आज हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हो, तो सिंपली कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ। आपको जो डिस्कवरी इवेंट पसंद आता है तो आप लोग कमेंट कर देना। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं इंक्लूड करना चाहूंगा ये वीडियो में। तो गाइस, आपको पता है मंथ ऑफ जनवरी चल रहा है, बहुत ज्यादा हाइप वापस से बीजेमए के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो भी पोस्टर आर्टिकल वीडियोस अनबैंड बैंड वाला देख रहे हो, देखना मना नहीं है। आपको रिकमेंड करूंगा ज्यादा बोल सकते हो उसमें बिलीव करने की कोशिश मत करो। एज अ इन्फॉर्मेशन आप सब वीडियोस सब आर्टिकल को देख सकते हो। रिसेंटली मुझे एक बंदे ने पोस्टर दिया डिस्कॉर्ड में, और वो बंदे से मैं पूछने की कोशिश कर कहाँ से ये पोस्टर मिला, मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से बोल सकते पोस्टर निकाल के दिया है, किसी वीडियो से लाया। तो भाई जो भी क्रिएटर है पहले तो भाई आपको बिग शाउट आउट, क्योंकि ये पोस्टर मुझे काफ़ी बोल सकते जेन्युइन जैसा फील हो रहा था, जेन्युइन जैसा फील हो रहा, क्योंकि इसमें ये पोस्टर में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक कॉन्फिडेंशियल बोल सकते डॉक्यूमेंट अर्ली कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बोल दिया तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट में आप कुछ भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट पोस्टर है। बट कितना सही वेल ऑर्गेनाइज होके इसको बनाया है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये फेक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि इस टाइप का पोस्टर जो इसको बनाने आता है तो एक से एक बना देगा, आपको लगेगा कि भाई ये तो ऑफिस सेल ने ही बनाया है। बट ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पोस्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें जो बीजेमए है उसका नाम सर्वाइवर रॉयल रख दिया गया है, इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल ई स्पोर्ट टाइटल ऐसे कुछ लिखा गया है। और प्री रजिस्टर नाउ, और इधर आप देखो प्री रजिस्टर ऑन गूगल प्ले, प्री ऑर्डर ऑन एप्पल स्टोर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा बोल सकते पोस्टर है। इसको मैं अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्लियरली लिख दिया है ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट में आप कुछ भी कर सकते हो, आप खुद भी बना के कॉन्सेप्ट कर सकते हो। बट जो चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं लिखता ऐसे दिखा देता कि ये रियल है, वो चीज़ मुझे गलत लगता है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दिया। तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल में दिखाया, और भी बहुत सारा पोस्टर आर्टिकल आपको खुद बहुत सारा देखने को मिलेगा जैसे जैसे टाइम और सामने आएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑफिशियल सोर्स या अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा तो 18 तारीख का वेट करो। 18 तारीख को कुछ ना कुछ तो होगा, मैं आपको रीजन बता दिया था क्या क्या चीज होगा, तो उसका वेट करो, आपको खुद मिल जाएगा आंसर कि क्या होने वाला आगे का फ्यूचर का। अगर कुछ होता है तो प्ले स्टोर में अगर आता है तो आपको अपने प्ले स्टोर में भी दिख जाएगा, आपके फोन में भी प्ले स्टोर है, आपके फोन में भी एप्पल स्टोर है, सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। किसी को बिलीव करने की जरूरत नहीं, इवन मेरे को भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है, जो आपको दिखेगा उसी को बिलीव करो, रियल में जो दिख रहा है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग आते हैं डिस्कवरी इवेंट में। तो गाइस अभी तो रिसेंटली तो ये डिस्कवरी इवेंट का नाम है किंग ऑफ कुंफू, ठीक है। इसमें क्लिक करते हैं, इसमें जैसे क्लिक करोगे तो इधर आप देख पाओ बहुत सारी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। स्पेशली कुंफू का बात जब हम लोग करते हैं तो इमोट्स तो इसमें भर भर का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुंफू में तो इमोट हो गई। उसके साथ साथ आप देख पा रहे कि पैन दिखाई दे रहा, मार्क्स दिखाई दे रहा। भाई डिस्कवरी इवेंट में मार्क्स क्यों चिपका दे रहे हो, वो भी मिथिक मार्क्स, वो भी ठीक है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो इमोट एक मिथिक वाला, वॉइस पैक भी है, ग्रेनेड का स्किन है, एक ग्राफिट ये क्या बोलते हैं ऑर्नामेंट है, उसके साथ एक टी शर्ट है। और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि आपको एक यूएस का स्किन, पैरासूट का स्किन, उसके साथ साथ दो आउटफिट और एक इमोट दिखाई दे रहा है। तो इसमें से देख के समझ आ रहा है कि दो चीज़ आपको कम्प्लीटली फ्री मिलने वाला। इससे पहले वाला जो भी डिस्कवरी इवेंट है उसमें हम लोग को एक पैरासूट फ्री मिल रहा था, बट इस बार हम लोग को दो चीज़ मिल रहा है, एक टी शर्ट मिल रहा है एपिक कैटेगरी का, और ये जो इमोट आप देख पा रहे हो ये आपको फ्री मिल रहा है जिसका नाम है ईगर टू ट्राई। तो एक लेजेंडरी इमोट फ्री मिल रहा है और एक आउटफिट या वो सब टी शर्ट फ्री में मिल रहा, बाकी सब तो आपको यूसी से लेना पड़ेगा, ठीक है। बट पहले जैसा डिस्कवरी इवेंट तो नहीं है जिसमें हम लोग को भाई भर भर के चीज़ें मिलता था, बट ठीक है, इस इमोट दे रहा लेजेंडरी इमोट, काफ़ी अच्छा बात है। इधर आप देख रहे अलग अलग लेवल में आपको देखने को मिल रहा डिस्कवरी इवेंट का रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया वही रिवॉर्ड्स है। मुझे नहीं लगता कि अभी इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, सब कुछ आप सबको पता ही है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको ये सब मिलते रहेगा, और जैसे आप मैक्स आउट कर लोगे तो आपको एक क्रेट ओपनिंग करने का मौका मिलेगा। ये क्रेट ओपनिंग आप कॉइन से भी कर सकते हो, कॉइन से लिमिटेड रहता है 10-12 ही खोल सकते हो, और उसके बाद यूसी से भी ओपनिंग कर सकते हो। यूसी में आप देख पा रहे हो यूसी कॉस्ट अगर 60 यूसी थोड़ा सा सस्ता है, 90 यूसी के आसपास लगता था, उसके साथ साथ आप देख पा 540 का थी। इसमें ज़्यादातर लोग इसमें अफोर्ड कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला डिस्कवरी इवेंट में कोई भी अपग्रेडेबल गन नहीं है ना ही मटेरियल है, इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा डाउन गया है।
तो मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग फ्री में कुछ मटेरियल मिलने की कोशिश करते हैं, तो यही एक सोर्स है जहां आप फ्री में निकाल सकते थे। बट इस बार कोई भी अपग्रेडेबल गन है ही नहीं तो मटेरियल कैसे होगा। बट इस बार जो चीज़ है ये आप देख पा रहे, मिथिक आउटफिट है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्रूस ली का। उसके साथ साथ ये भी एक आउटफिट देख पा, ये लेजेंडरी है, नहीं ये भी मिथिक है, और इसका हेडगियर आप देख पा रहे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। वॉइस पैक भी अवेलेबल है, उसके साथ साथ आप देख पा ये इमोट है, ओके ये इमोट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओके। उसके साथ साथ एक लेजेंडरी आउटफिट देख पा रहे, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इवेंट हो या मिथिक नहीं है तब भी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक नया चीज़ आपको देखने को मिला, ये शायद सेकेंड स्किन है रे रोबोट का, इधर आप देख पा रहे हो ये गुस्सेल वाला रे रोबोट है। इससे पहले स्पाइडर मैन का आया था नो वे वाला, और उसके बाद आप देख पा रहे ये वाला, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे आप देख पा रहे हो येल्लो कलर का, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। और इसके साथ साथ आप देख पा रहे हो ये आपको क्लासिक कूपन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका हम लोग काट देते हैं, इधर अभी हम लोग देखने वाले कि जो हम लोग अपग्रेड करेंगे उसमें कितना कॉस्ट में क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं अपग्रेड रिवॉर्ड में। अपग्रेड रिवॉर्ड में जैसे आप क्लिक करोगे, नॉर्मल जो कॉस्ट है 300 UC में आपको एक पैन मिलने वाला, पैन आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, पैन दिख क्यों नहीं रहा भाई, अच्छा ये देखो ये है पैन, तो ब्रूस ली लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पैन। उसके साथ ये पैरासूट आपको मिलने वाला ब्रूस ली का, उसके साथ एक ग्रेनेड है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट करना कि 300 UC वैल्यू है कि नहीं। 600 UC में तो लगता है और ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि इधर आप देख पा रहे हो कि ऊपर का तीन चीज़ तो ऐसे ही मिल जा रहा। ये आउटफिट और बेबी शार्क का आउटफिट मिला था ना येल्लो कलर का, वो सेम ही लग रहा मेरे को, बस उसमें लोगो था अलग से। 300 UC डाल के ये वाला आउटफिट लेना, ये मास्क लेना, और उसके साथ साथ ये वाला भाई क्या बोल सकते हो, ऑर्नामेंट लेना, मुझे तो कुछ सेंस नहीं लग रहा है। वन ऑफ द वर्स्ट 600 UC प्लान है आप देख पा रहे हो डिस्कवरी इवेंट का, क्योंकि ये जो आउटफिट आप देख पा रहे हो येल्लो कलर का, बहुत सारा आउटफिट ऑलरेडी आपके पास होगा, इन्वेंटरी में जाके चेक कर लेना येल्लो कलर का, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो सुप्रीम पैक, सुप्रीम पैक में हाँ वो बोल सकते हो कि एक वैल्यू है, क्योंकि आपको US का स्किन अगर चाहिए, ओपन यूजर्स का ज़्यादा स्किन गेम में अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ आप ले सकते हो, उतना भी कुछ OP नहीं है बट आप ले सकते हो। उसके साथ एक इमोट आपको मिल जाएगा ये वाला नट चंक फ्लोरी, और इधर आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा इमोट लग रहा है, ये एक यूनिक इमोट है, इस तरह का इमोट आपको दिखाई नहीं देता, तो ये चीज़ आप ले सकते हो। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं एक मिथिक आउटफिट है, और ये आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है। बट 3000 UC का वैल्यू मुझे लगता है कि 3000 UC का भी ये उतना वर्थ करता, बट आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको US का स्किन चाहिए और मिथिक चाहिए तो आप देख सकते हो। और एक आपको पता है चूज़ अपग्रेड, तो ये सबसे बेकार चीज़ है, इसमें आप एक चीज़ ले सकते हो, एक एक चीज़ को सेलेक्ट करके ले सकते हो, बट ये इतना बेकार है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम लोग हटा देना। केवल एक US का स्किन अगर आप निकालने जाओगे ना तो 3000 UC, ये मुझे साइंस नहीं बनता कि ये चीज़ क्यों डाला भाई, 3000 UC का मैं ये नहीं खरीद लूँ, एक चीज़ लेने का 3000 UC, पैन लेने का आपका 900 UC। अगर सही सही में बताऊँ तो ये जो डिस्कवरी इवेंट है फ्री बंदे के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस बार आपको एक इमोट फ्री में मिल जा रहा है, एक आपको टी शर्ट मिल जा रहा है। बाकी क्यों लग रहा है कि 300 UC वाला थोड़ा बैक देख सकते हो, 3000 वाला ज़्यादा महंगा है, 600 वाला तो मुझे कुछ सेंस ही नहीं बनता। बाकी आप क्रेट ओपनिंग करके देख सकते हो, अगर आपको कुछ चाहिए होगा वो रेयर रोबोट वोट तो आप देख पाओगे। आप लोग कमेंट करना कि आपको सबसे बेस्ट क्यों कौन सा लगा। सबसे बेस्ट मुझे लगा आर्कन वाला डिस्कवरी इवेंट, वो जो मिरर वर्ल्ड वाला, वो सबसे OP था। जुजुत्सु कैसा ना डिस्कवरी इवेंट मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि उसमें मैं जब क्रेट ओपनिंग किया था मुझे दो बार रोजा का स्किन मिला था लेजेंडरी वाला, तीन मटेरियल, उसके साथ US स्किन, बहुत सारी चीज़ मिला था, बहुत ही कम बोल सकते UC में मुझे इतना चीज़ मिल गया था, ठीक है। तो मैं तो अपना बता दिया, आप लोग अपना बताना कि कौन सा डिस्कवरी इवेंट आप तब का आपको सबसे बेस्ट लगा। और चलो इतना रखते हैं वीडियो को, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा लाइक और शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।